गुरुकुल यात्रा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप राज आज एक फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और वीडियो एक ऐसा है कि एक केव्स के बारे में, जैसा कि आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, यहां पे ये जो स्थान है, ये जो केव्स है, ये भी एक महाराष्ट्र के मुंबई ज़िले में और एक बोरिवली के पास आता है। इस केव्स का नाम है मंडपेश्वर केव्स। यहाँ पर एक शिवलिंग है। ये शिवलिंग की पूरी स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ के पूरी ये केव्स बना कैसे, ये यहाँ पे इसका निर्माण कैसे हुआ ये सब चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। कैसा था ने यहाँ पे आकर के, महाराष्ट्र में आकर के एक तीन केव्स का निर्माण किया, जिसमें से पहला जोगेश्वरी केव्स केस कान्हेरी गुफा और तीसरा ये मंडपेश्वर, तीनों को पहाड़ काट करके एक केव्स बनाया गया, एक किला बनाया गया, एक रहने की जगह बनाया गया। यहाँ पे जगह बनाया गया था। इसे जगह बनाने के बाद यहाँ पे आए, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसे अपना मतलब स्थान बनाया। मतलब ये केव्स में बहुत सारे ऐसे स्टोरी हैं कि आप लोगों को एक स्टोरी ये मैं जो बता रहा हूँ वो है, और बहुत सारी स्टोरी बनाई गई हैं, बताई गई हैं, जिसमें से मुझे जितना पता है मैं उतना आप लोगों को बता रहा हूँ कि अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे अपना कब्ज़ा किया, कब्ज़ा करने के बाद यहाँ पे ये किले को रहने के लिए किला बनाया गया था। फिर इसके बाद मतलब मराठों का राज्य जब आया, तो मराठों का राज्य आने के बाद इसे यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई। तो इसे यहाँ पर मंडपेश्वर शिवलिंग नाम है इनका, और ये एक बहुत ही खूबसूरती तरीके से दर्शाया गया है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, अंदर मैंने पूरे प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया है। बहुत बड़ा तो केस नहीं है, बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। और किसी से भी पूछेंगे आप मंडपेश्वर केव्स, मंडपेश्वर शिवलिंग किधर है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताऊँगा कि यहाँ पर अगर कोई शिवरात्रि के दिन आता है, तो यहाँ पे बहुत भव्य मेला होता है और बहुत भव्य तरीके से पूजा होती है। यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए मंडपेश्वर शिवलिंग के लिए। ये मंडपेश्वर शिवलिंग जो केव्स है, यहाँ का ये मेन गेट है, यहाँ से आप लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। और जस्ट गेट के पीछे आपको किला दिख रहा होगा, केव्स दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को आके दर्शन कर सकते हैं आप।
हाय ब्रो, हाय। चलिए दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।